जनपद बिजनौर के इसियोहारा थाना क्षेत्र में दो बाइक सवार चार बदमाशों ने बुधवार की रात ग्राम महमूदपुर के निकट गल्ला व्यापारी के हाथ में गोली मारकर 4.80 लाख रुपए लूट लिए थे। घटना की सूचना मिलने पर एसपी पूर्वी और सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया व घायल से जानकारी लेकर व्यापारी को सीएससी भर्ती किया गया था। प्राप्त समाचार के अनुसार इसियोहारा के मोहल्ला अफगानान सहजपुर निवासी नाजिम उम्र 23 वर्ष पुत्र लियाकत का ग्राम महमूदपुर में फ्लोर मिल है। वह गल्ला व्यापारी भी है। बुधवार शाम लगभग 6 बजे वह ग्राम रैनी और एक अन्य युवक को गल्ले का भुगतान करने जा रहा था। उसके पास 4.80 लाख रुपए थे। ग्राम महमूदपुर के निकट पीछे से दो बाइकों पर सवार चार युवक आए और उसे रोककर तमंचे के बल से रुपए से भरा थैला छीन लिया। विरोध किया तो बदमाश उसके हाथ में गोली मारकर घायल कर दिया और फरार हो गए। घटना की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल, सीओ अफजलगढ़ अर्चना सिंह, कार्यवाहक थाना प्रभारी नरेश पाल सिंह ने मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। घायल व्यापारी को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। एसपी नीरज कुमार जाधव को घायल के बदलते बयान एवं सीडीआर के अवलोकन से घटना संदिग्ध प्रतीत हुई। शुरुआत में पीड़ित की ओर से पुलिस को गोली मारने की सूचना दी गई थी। काफी देर बाद लूट होने की जानकारी थी। इस घटना के करीब 40 मिनट के बाद पुलिस को फोन किया गया था। इस मामले में सभी पहलुओं पर थाना इसियोहारा पुलिस व स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा जांच करने पर पता चला कि कर्ज के पैसे चुकाने से बचने के लिए स्वयं को गोली लगवा कर लूट की झूठी साजिश रची थी। नाजिम के ऊपर जसपुर उत्तराखंड के रहने वाले दानिश ने 15 लाख रुपए बकाया है। विगत कई दिनों से दानिश अपने पैसों की मांग कर रहा था, तब नाजिम टाल मटोल कर रहा था। दिनांक 15/5/2024 को नाजिम द्वारा उधारी के पैसे चुकाने से बचने के लिए स्वयं को गोली लगवाने व रुपयों की लूट को जाने की फर्जी घटना कारित करने के लिए अपने दो साथियों इंतजार व अजीम उर्फ अज्जू के साथ मिलकर योजना बनाई तथा उन्हें नाजिम को गोली मारने के लिए 15,000 रुपए में तय किया था। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ अहमद की रिपोर्ट। हाँ भैया, क्या घटना हुई है? महमूदपुर में हमारा भाई है नाजिम, ये उगाई के पैसे लेके रेनी जा रहा था पिंटू बाबू को देने। उसके बाद पिंटू बाबू को देने के बाद ही जसपुर जाता। रास्ते में जो है चार लड़कों ने इसे रोका ना, गाड़ी में पेल लगा दो, हमारी गाड़ी का तेल खत्म हो गया। उन्होंने पहले तो हाथ में से भेद छीना इसके, जब इसने हाथ तपाई करी तो उसके हाथ में गोली मारकर वो भाग गए। उनकी गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, दोनों हेलमेट लगा रखा था, 2 मास्क मुझे। घटना कहाँ की है भैया? घटना है जी ये महमूदपुर से थोड़ी पीछे की। हेलो, रेलवे क्रॉसिंग के आसपास? नहीं नहीं नहीं, रेलवे वो फैक्ट्री चौधरी ढाबा है, चौधरी ढाबे से थोड़ी आगे हुआ। अच्छा जी, कुछ पहचान में है? नहीं, पहचान में तो नहीं बता रहे हैं वो किसी की। भैया कहाँ से चले थे आप पैसे जी? क्या घटना हुई आपके साथ? क्या घटना हुई? कितने पैसे थे? 4.80। कहाँ की घटना है भैया? ये ऐसे है, सहसपुर से आगे। अच्छा, कैसे रुका आपको? बस वे आगे आगे आए, आगे बाइक में घेरी, देखते हैं घर रहा क्या हाल है भाई साहब। दुनिया जब कारोबार करता हो तो दुनिया को पता है, तो बोले क्या हाल है भाई साहब। रोकते के साथ बाइक पे के लोग थे? चार दो दो लोग थे, दो बाइक थी। आज दो बाइक। तो इसमें भैया आपके हाथ में क्या लगा है? आपके हाथ में क्या लगा? इसमें गोली मारी। ठीक। धर्म सिंह मार्शल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर, अवगत कराना है कि आज दिनांक 15/5/2024 को थाना सिवारा पर EP 112 के माध्यम से शाम करीब 6:30 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति को सहजपुर सिवारा मार्ग पर गोली लगी है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घायल को उपचार हेतु सीएससी सिवारा भेजा गया, जहाँ से बेहतर उपचार के लिए उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर भेजा गया है। डॉक्टर से वार्ता करने पर उसके बाएं बाजू पर गोली लगी है, अब ब्लैकिंग दिखाई दे रहा है। अभी परिजनों द्वारा कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।